धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना वैक्सीन कछुआ रफ्तार से लगाने से खफा कांग्रेसी नेता हुए एकजुट। कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा की अगुवाई में राष्ट्रपति को दिया गया ज्ञापन। अरोड़ा बोले, महज 3.75% लोगों को ही अब तक लग पाई है वैक्सीन की सेकेंड डोज। देश में कोरोना वैक्सीन कछुआ रफ्तार से लगाने से खफा कांग्रेसी एकजुट होकर लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पहुंचे और कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा की अगुवाई में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अरोड़ा ने कहा कि महज 3.75% लोगों को ही वैक्सीन की सेकेंड डोज लगी है, ऐसे में 140 करोड़ लोगों को कब तक लगेगी और इससे बचाव कैसे संभव हो पाएगा। अरोड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी भयंकर स्तर पर फैली हुई है, इसके लिए सरकार ही दोषी है। लोग कहीं बेड तो कहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर दम तोड़ रहे हैं और सरकार व्यवस्था में विफल रही है। उन्होंने आशंका जताई कि अब कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दवा के नाम पर लगने वाली वैक्सीन कब तक लगेगी कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के नाम पर सरकार व्यापार कर रही है। केंद्र सरकार को वैक्सीन 150 रुपए में मिलती है, जो प्रदेश सरकार को 400 में और निजी तौर पर 600 रुपए में मिलती है, जो कि एक बड़ा अपराध है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की कि वे अपने प्रभाव का तुरंत इस्तेमाल कर वैक्सीनेशन अभियान को गति दें। कोरोना महामारी की बड़ी भयंकर स्तर पर फैली और इसके लिए पूरी तरह से देश की सरकार दोषी है। देश की सरकार ने बहुत बड़ा अपराध किया, लाखों लोग मारे गए, लाखों बच्चे बेघर हो गए और उसका इंतजाम नहीं कर पाई। कहीं बेड नहीं मिला, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, तो लोग तड़पते रहे हॉस्पिटलों के बाहर, परंतु ये सरकार विफल रही है, पूरी तरह से दोषी है। अब जबकि आशंका जताई जा रही है कि इसकी कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और ऐसे में इसकी कोई दवाई तो है नहीं, एक वैक्सीन ही है जो इससे बचाव कर सकती है, परंतु जिस प्रकार की रफ्तार से केंद्र की सरकार ने वैक्सीन खरीदने का काम किया या वैक्सीन लगवाने का काम किया, मैं तो कहूँगा उसमें भी उपार करने का काम करते हैं। देश की सरकार को 150 मिलेगी, प्रदेश की सरकार को 400 रुपये मिलेगी, प्राइवेट को 600 से ऊपर मिलेगी, तो ये बहुत बड़ा एक अपराध करने का काम किया। आज अगर हम इस देश की आबादी के हिसाब से देखें तो मात्र 3.75% लोग ऐसे हैं जिनको सेकेंड डोज दी जा चुकी है, और अगर इसी प्रकार से रफ्तार चलती रही तो 140 करोड़ के देश में ये बहुत मुश्किल है कि 31 दिसंबर तक ये इसको पूरा कर पाएंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्णय लिया कि हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके केंद्र की सरकार को कहे कि तुरंत वैक्सीन का इंतजाम करे ताकि आने वाली लहर से बचा जा सके। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।